आज पूरे देश के सामने ये साफ हो गया है कि अगर कोई एक पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है तो वो आम आदमी पार्टी है। देखिए आज अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े संघर्ष के दौर से गुजरी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश कर ली आम आदमी पार्टी को दबाने की, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो गई। आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, लेकिन इस सब के भी बावजूद पार्टी एकजुट होके बनी रही। इस संघर्ष के दौर से अब हम निकले हैं और आज पूरे देश के सामने ये साफ हो गया है कि अगर कोई एक पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है तो वो आम आदमी पार्टी है, और अगर कोई एक नेता है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है वो अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल मिलेगा, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से सच्चाई की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था उसकी हार हुई है, तो बिल्कुल एक खुशी का माहौल है।